दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों ने दिल्ली मेट्रो की नींद उड़ा दी है और यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपने यात्रियों को कोरोना के प्रति आगाह करते हुए नियम और गाइडलाइंस और सख्त कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में दिल्ली मेट्रो और स्टेशनों में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। लोगों की लापरवाही को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से काफी सख्ती अपनाई जा रही है, जिसके बाद मेट्रो में लोगों ने धीरे धीरे मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का फिर से ध्यान रखना शुरू कर दिया है। चूँकि दिल्ली मेट्रो के अधिनियम में कोरोना के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा आदि का प्रावधान नहीं है, इसलिए मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का चालान लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक 20,000 से अधिक लोगों पर ये जुर्माना लगाया जा चुका है। दरअसल मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर दिल्ली मेट्रो के यात्रियों पर ये जुर्माना 7 सितंबर से लगाया जा रहा है। अब जब चालान दोबारा से शुरू हो गए हैं तो हम भी दोबारा से आपको बताने जा रहे हैं कि अब जब भी आप मेट्रो में सफर करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मेट्रो में सफर के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। मेट्रो में सफर के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना भी जरूरी है। सफर के दौरान हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। मेट्रो में सफर के दौरान थूकने पर पाबंदी और 200 का जुर्माना है। इस सख्ती के जवाब में मेट्रो प्रशासन का कहना है कि उन्हें ये जानकारी मिलने लगी थी कि बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो के अंदर प्रवेश करते ही मास्क उतार देते हैं, जबकि गेट पर सबके चेहरों पर मास्क होते हैं। इन सूचनाओं के बाद डीएमआरसी ने 11 सितंबर से गाड़ियों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात कर दिए थे। तैनाती के एक महीने के अंदर ही फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने मास्क न पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग न बनाए रखने को लेकर 5,180 यात्रियों से जुर्माना वसूला और अक्टूबर में यही संख्या 5,665 तक पहुंच गई। तब धीरे धीरे लोगों ने कोरोना नियमों के पालन को गंभीरता से लेना शुरू किया। फ्लाइंग स्क्वाड ने नवंबर महीने में केवल 3,174 लोगों और दिसंबर में 2,257 लोगों पर ही जुर्माना लगाया। वहीं इस महीने पिछले एक हफ्ते में 1,000 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।